श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सभी लोग बहुत चिंतित हैं और मुझे जैसी कुछ अपडेट मिलती है मैं आप लोगों तक शेयर कर देती हूँ। कुछ लोगों तो अभी तक पता नहीं चला है कि गुरुजी कथा क्यों नहीं आ रही है। जी हाँ, कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, कुछ लोगों से बातचीत होती है मेरी अगर, तो उन्हें पता भी नहीं कि गुरुजी को क्या हुआ है और कथा क्यों नहीं आ रही है। बस चिंतित में लगे हुए कथा क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है। तो ऐसे तो बहुत लोगों को पता चल चुका है कि गुरुजी का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है और गुरुजी के बारे में कुछ अपडेट ऐसी मिली है जो समीर जी शुक्ला जी ने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर अपडेट दिया है, जिसे सुनकर समझकर हमें अच्छा लगा कि गुरुजी के स्वास्थ्य में अब थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरुआत हो गया है। तो गुरुजी के बारे में कुछ जैसे जानकारी आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए गुरुजी का स्वास्थ्य अभी कैसा है। साथ में हम लोग सोच रहे हैं कि गुरुजी पे जिसने हमला किया था वो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए, पर अभी तक वो व्यक्ति पकड़ाया है कि नहीं, ऐसी तो कोई क्लिप नहीं आई है। पर हाँ, ये जरूर सामने आ चुका है, सब लोगों ने वीडियो में देखा भी है। अगर नहीं देखा है तो आप फोटो पर देख लीजिए। इस फोटो में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि गुरुजी पर किसी ने हमला किया है। जी हाँ, अगर आप लोग को पता नहीं है तो गुरुजी ने जो अभी होली खेली थी आष्टा में, जी हाँ आष्टा में जो गुरुजी ने 29 मार्च के दिन होली खेली थी, उस होली के महोत्सव में गुरुजी सबको गुलाल फेंक कर मार रहे थे और सब गुरुजी को गुलाल फेंक रहे थे। उसी समय किसी ने गुलाल के रूप में नारियल फेंक के मारा जो गुरुजी के डायरेक्ट सर पर चोट लगी। और आप वीडियो में देख सकते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं कि गुरुजी को किस प्रकार से नारियल लगा था। और जब नारियल लगा उसी समय ही गुरुजी को चक्कर आया और गुरुजी नीचे बैठ गए। साथ में खड़े शिष्य ने देखा कि गुरुजी को क्या हुआ है, तब पता चला कि गुरुजी के सर पे नारियल गिरा है, क्योंकि उस शिष्य ने अपने हाथों से नारियल को उठाकर देखा और आसपास चारों तरफ देखा। पर उस समय तो कुछ समझ नहीं आया कि नारियल किस दिशा से आया, क्योंकि उसी समय गुरुजी को अस्पताल लेकर जाना बहुत ज़रूरी था। और जब अस्पताल लेकर गए तब पता चला कि गुरुजी को बाहर तो कोई चोट नहीं आई थी, बस गुरुजी को अंदर ही चोट आई थी। पर धीरे धीरे अब गुरुजी के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरुआत हो गया है। और हाँ, आज समीर जी शुक्ला जी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसमें उस कमेंट को पढ़कर सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि एक भक्त ने ऐसा कमेंट लिखा कि जिस प्रकार अयोध्या में श्री राम जी जब विराजमान हुए थे जैसे हमारे आंखों में आंसू थे, सेम वैसे ही जब गुरुजी स्वस्थ होकर हमारे सम्मुख आएंगे कथा पंडाल में अपनी व्यासपीठ पर बैठेंगे तब हमारी आंखों में भी वैसी आंसू होंगे। यह मैसेज पढ़कर सभी की आंखों में आंसू आ गए और साथ में हम सभी लोग महादेव से प्रार्थना कर ही रहे हैं गुरुजी के स्वास्थ्य को लेकर। और इसका प्रभाव हुआ है, जी हाँ इसका प्रभाव हुआ है, इसी कारण से गुरुजी के स्वास्थ्य में अब धीरे धीरे सुधार आना लग गया है। जी हाँ, और हाँ, समीर जी शुक्ला जी ने एक पोस्ट और डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा है कि डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार गुरुजी जो है हाल ही की जो कथा है वह नहीं कर पा रहे हैं, पर आगामी कथाओं की सूचना किस तारीख से शुरुआत होगी उसकी बहुत जल्दी आप लोगों तक शेयर कर देंगे। और हाँ, आप लोग बेफिक्र रहिए, ऐसा नहीं है कि गुरुजी साल भर तक हमें इंतजार कराएंगे, क्योंकि महादेव की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। गुरुजी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, हो सकता है कि मई के महीने में ही गुरुजी कथा शुरुआत होने लग जाए, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है गुरुजी कथा नहीं आ रही है। तो बस आप लोगों को सभी से निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि सभी लोग गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए महादेव से प्रार्थना करें। और आज तो प्रदोष है और कल शिवरात्रि है, तो प्रदोष और शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीपक जरूर लगाएं और प्रार्थना करें महादेव से कि हमारे पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को महादेव बहुत जल्दी स्वस्थ कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।